देश में स्वास्थ्य मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार जहां दो गज दूरी ही इसका एकमात्र उपाय बता रही है, तो वहीं बिगड़ते हालात पर सियासी पार्टियां भी केंद्र पर बरस रही हैं। जी हां, अब एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और मौजूदा मुसीबत से निपटने में नाकाम बताया है। देश में दिन ब दिन स्वास्थ्य हालात खराब हो रहे हैं। रोजाना 15,000 से ज्यादा मुसीबत से प्रभावित मामले सामने आ रहे हैं, जिनका आंकड़ा अब 5 लाख के पार पहुंच गया है, जिसके चलते विपक्षी दलों का केंद्र की नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। जी हां, अब बढ़ते मामले को लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खामोश हैं और उन्होंने मुसीबत के सामने घुटने टेक दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, स्वास्थ्य मुसीबत देश के नए हिस्से में तेजी से फैल रही है, भारत सरकार की उसे हराने की कोई योजना नहीं है, प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने मुसीबत के सामने घुटने टेक दिए हैं और वो स्वास्थ्य परेशानी के खिलाफ लड़ाई लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान ऐसे समय पर आया है जब केवल 6 दिनों में मौजूदा मुसीबत के मामलों में 1 लाख का इजाफा हुआ है। बता दें कि भारत में मुसीबत से प्रभावित मामलों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार हो गई। वहीं इससे पहले भी राहुल स्वास्थ्य हालात को लेकर केंद्र सरकार को घेर चुके हैं, साथ ही देश में अनलॉक मोड की शुरुआत पर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में अब सरकार राहुल के सवालों का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।